बिहार में मॉनसून 2024 रिचार्ज हो चुका है। पटना से पूर्णिया, आरा, रोहतास और बक्सर तक माहौल बमहम है। सबसे ज्यादा खुश किसान हैं, क्योंकि ये बात सच है कि आप बोरिंग के पानी से धान को कितना भी पानी क्यों ना दे दे, फसल के लिए अमृत तो आसमान से ही आता है। मॉनसून ने रिचार्ज होते ही सबसे पहले धान के कटोरे रोहतास को चुना, इसलिए इसकी रेखा डेहरी से होते हुए ही गुजर रही है। मौसम विभाग ने इसी बीच अगस्त में बारिश को लेकर अपडेट भी जारी किया है। इसमें कुछ जिलों के लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मॉनसून की अक्षीय रेखा श्रीगंगानगर, रोहतक, हरदोई, वाराणसी, डेहरी, बांकुरा से गुजर रही है। साथ ही एक द्रोणी रेखा गंगे पश्चिम बंगाल के पास बने चक्रवातीय परिसंचरण से लेकर उत्तर पूर्व बिहार से होकर दक्षिण बांग्लादेश तक गुजर रही है। इन मौसमी घटकों के प्रभाव से प्रदेश में अगले 5 दिन तक मॉनसून सक्रिय रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पूर्व बिहार की अनेक जगहों और शेष राज्य के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। 5 अगस्त 2024 के दिन उत्तर पूर्व बिहार के लिए बड़ा पूर्वानुमान है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र से जारी अपडेट के मुताबिक इस दिन अररिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया की अधिकांश जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं 3 अगस्त को पटना, गया, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय में अनेक स्थानों पर बारिश के आसार हैं। इसी के साथ पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अगस्त 2024 में बारिश का पूर्वानुमान भी जारी किया है। इस पूर्वानुमान के मुताबिक अगस्त महीने में उत्तरी भाग और दक्षिणी पश्चिम भाग के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की उम्मीद है, जबकि बाकी हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान है। ऐसे समझिए कि उत्तर बिहार के अलावा दक्षिणी बिहार के भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल में इस महीने सामान्य से ज्यादा बारिश की भविष्यवाणी की गई है।